अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अपने आत्माओं, हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था, उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह कांड जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट बिना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहां देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके दो मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे उनकी इंतजार में, उनके स्वागत में उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक की तो 3 दिन में लाश मिली थी और एक की 1 हफ्ते में गिद्दर घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगे, जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे। तो ये काम करने के मनुष्य जीवन के, अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और रस्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चोथ कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, वह पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर और बिलमा ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको ऊपर कर रेत लगा के कोई पहचान ना ले के रखा है छुपा के, और ऐसे डोते डोते मर जाते हैं पशु के पैर तले आके, वो गोबर वहीं रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरीब गदा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए, ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखा जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है वो भी टैक्स में जाता है, और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसको, पर दोनों का गवर्नर था अकेला, वो रिटायरमेंट पे था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा,
और बुढ़ापे में वहां ठाट से रहा करूंगा, शुद्ध वायु होगी, सैर सपट्टे वहां कराया करूंगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहां के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अपुण्य आत्माओं, पहले 100-100 के नोट थे, 500-500 के भी ना थे। तो मरण के काम तो आप कर रहा था, वो 3 करोड़ 100-100 के नोट और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर, उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था लड़का, वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने फिर वो आकर जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए गडरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहाँ उसने तय खाना बना रखा, और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100-100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों में नहीं चला है। और वो छाती गलाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए और वहां मर गया, वो रह गया दरिया दरिया। आए है अब क्या होगा, वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहां, जिस जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन मेरे आश्रित होकर मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है, गीता जी 4 के श्लोक 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सचिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही ये जीव परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 4:5-9 में, 2:12 में, गीता जी में, गीता 10 के 2 में कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता कौन है, श्री कृष्ण में ये ब्रह्म बोल रहा है। अब ब्रह्म की पूजा करने से भी वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता जी 15 के 4 में कहा है। और फिर गीता जी 18 के 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसे सिद्ध हो गया कि उस गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी कृपा से वो सारा ये जन्म मृत्यु का ये झंझट, ये रोग, ये कति कटेगा
और उसी से परम शांति होगी। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता आठवें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर, यानी मेरी शरण में रहेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा तुझे, इससे परम शांति नहीं हो सकती। जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता, क्योंकि वो स्वयं भी जन्म मृत्यु के अंदर है, गीता ज्ञानदाता। अब यहाँ प्रश्न चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि अर्जुन मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूं और उस ज्ञान को जो आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस तत्वर्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को समझ चुका है, सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता है, तो वो समझ लेना कि वो उस तत्वर्म से परिचित हो चुका है, उस परमेश्वर से परिचित हो चुका है, जिसकी शरण में जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते और जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्परम से परिचित है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के 1वें मंत्र में पूछा, 7वें अध्याय में केवल 30 मंत्र हैं, 29 में आपको सुना दिया और 30 श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि अंत समय में जो केवल मुझे ही जानते हैं तो वो मुझे ही जानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित रह जाते। फिर 8वें अध्याय के 1वें मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, जिसको जानने के बाद प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता वो किम तत्परम, उसके विषय में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो वो अपनी भक्ति बताता है कि मेरी साधना कर, मुझ में भाव वाला बन, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में एक विशेष निर्णायक ज्ञान दिया है कि अंत समय में जो जिसमें भावित होता है, जिसकी आस्था जिसके अंदर रह जाती है, वो उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च विहितापुरा। ब्राह्मण माने तत्वदर्शी संत, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे और कबीर साहब तो एक अर्य नकली सतगुरुओं का अंत नहीं, ऐसे ही ब्राह्मण का अर्थ असली होता है वो व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया। बाकी ठीक है, छोटी मोटी को अन्य क्रियाओं से भी ब्राह्मण की पदवी कोई पा रहा है तो वो अलग ब्राह्मण है। कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसके सिमरण की, इस 3 नाम का निर्देश है। ओम तत् सत इति निर्देश है, निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है अन्य बिल्कुल नहीं, केवल वही, नथिंग एल्स। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत् सत इति, बस यही निर्देश, फाइनल ऑर्डर। और ब्रह्म ने सचिदानंद गण ब्रह्म के त्रिविध समर्थ है, उसका 3 विधि से सिमरण की विधि है, 3 प्रकार से सिमरण होता है। और जिन पुण्यात्माओं को इस दास से ये 3 मंत्र प्राप्त हैं,
उनको पता है किनकी सिमरण की विधि तीन प्रकार से कैसे है। एक मंत्र ओम तो सार्वजनिक है, इसमें तत् ये सांकेतिक और सत भी सांकेतिक। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष अक्षर पुरुष, इन दोनों को रिजेक्ट किया है। ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इन भगवानों के पुरुष माने प्रभु, इन स्वामियों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, कि इन दोनों से गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दो प्रभुओं से उत्तम पुरुष, इनसे श्रेष्ठ पुरुष तो कोई और ही है, अन्य ही है। यह परमात्मा इति उदारते कहते हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, और वही परमात्मा कहा जाता है। वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो मूल मालिक है, जो सबका पालन पोषण करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता, मेरे भी अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के, सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं, इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये तीन मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है, या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे दन दन सतगुरु वाले देते तीन मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिले कैसे? उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी, सांस उस वांस की। ये दो मंत्र का ओम और तत्, तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं, फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन दो मंत्रों से, जो सतनाम के दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत् सांकेतिक दास बताता है, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है तीनों मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर्म मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है।